से मौजूद नहीं है, बाइक पर उड़ते हुए जा रहे हैं वो इस वक्त। आई बिलीव हेक्टर को एक किल मिलने वाला है। और वही बात मान ली जा चुकी है उनकी तरफ से कि अग्रेसिव थोड़ा बहुत होना पड़ेगा, फाइट पड़ेगा। 52 भी हेक्टर चल प्योर ओमेगा चल सूरज लेकिन एलिमिनेशन में देखना चाहता हूँ क्या टीम सोल के प्लेयर की हो चुकी है ऑलरेडी या नहीं हुई। ओमेगा कोशिश कर रहे हैं स्मोक्स डिप्लॉय किए जाए, हेक्टर भी नॉक है, अक्षत भी नॉक हो चुके हैं, गॉब्लिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है लेकिन रिस्की मूव रहेगा, रिस्की मूव रहेगा, लक साथ दे देती है, खुशकिस्मत थे कि नॉक नहीं हुए लेकिन अब उनको बचना है, अपनी जान की हिफाजत भी करनी है, उनको एक वार्निंग दी गई है वीवो कीड की तरफ से। अब सोल उस वार्निंग पर क्या उनको कोई नुकसान उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता, लेकिन फिलहाल ब्लू जोन से एक रेस चल चुकी है टीम सोल के, गॉब्लिन की तरफ से एक प्लेयर अनफॉर्चुनेटली अक्षत एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम वीवो कीड हाई ग्राउंड पर एक प्लेयर अभी भी मौजूद है, टीम सोल ज्यादा से ज्यादा दूरियां बरकरार रखने में मसरूफ है अभी तक वीवो कीड से, लेकिन जिस तरह ये भाग रहे हैं वहां पर 52 का स्क्वाड मौजूद है और एनजीएक्स के राउफ भी यहां पर आ चुके हैं। जी हाँ, दो टीम्स यहाँ पर मौजूद है, राउफ बिल्कुल सामने मौजूद, हाइट का एडवांटेज राउफ के पास रहेगा, एंगल बनाकर बैठे हैं, मेगा बैक एंड डैमेज खाते हैं, काफी लोग जाएंगे, मेगा सामने डैमेज पड़ता हुआ काफी लोग होते हैं इस वक्त नजर आएंगे, लेकिन बैक एंड राउफ को भी डैमेज पड़ेगा, प्योर काफी लोग करेंगे, पांच छोड़ दी जाती है, लेकिन छोड़ देंगे फिर से ये क्या था भाई, लेकिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे राउफ यहाँ मिनी 14 पर शिफ्ट करते हुए, अब मेगा को नॉक करेंगे आखिरी प्लेयर गोब्लिन, बाप बाप भाई क्या दिख ले, ये क्या था, गैलेक्सी दो किल सिक्योर कर चुका है 52, क्या उनको सर्कल में जाने देगी, वीवो किड भी दम तोड़ते हुए उनके प्लेयर नजर आते हैं, क्या हुआ सीन, क्या हुआ वो ऊपर की तरफ होता है, वो नीचे उनको एंगल चल रहा है भाई,